हम लोग जाने वाले उस वाटरफॉल जहाँ पर बाहुबली मूवी का शूटिंग हुआ था, और आगे देख रहे हैं एक एक्सीडेंट हो गया है इसलिए रुका गया गाड़ी का। तो हम लोग चलते हैं जी यहाँ पर और अपना पेट पूजा करते हैं। तो हमारा खाना आ गया जी, हम लोग लगभग खत्म कर भी चुके हैं आधा। तो अथीरापल्ली वाटरफॉल से जी लगभग 500 मीटर पहले गाड़ी को रोक दिया गया है। तो हम लोग आ गए जी अथीरापल्ली वाटरफॉल जो यह कैंपस है। तो हम लोग पहुँच गए जी वाटरफॉल के पास और देख सकते हैं जी यहाँ से नज़ारा। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों बाप बेटे को पूरा एंजॉय कर रहा है। और हम जो है नीचे पहुँचने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं नई जगह जा कर के। जी हाँ, हम लोग जाने वाले उस वाटरफॉल जहाँ पर बाहुबली मूवी का शूटिंग हुआ था। जो लोग वहाँ पर गए होंगे उनको शायद पहले से पता होगा। जी हाँ, हम जाने वाले हैं आज अथीरापल्ली वाटरफॉल। तो यहाँ मुन्नार से जहाँ पर हम लोग हैं, भैया बता रहे हैं कि लगभग 4-4.5 घंटा लगेगा। हालांकि जब हम गूगल में देख रहे थे तो वो दिखा रहा था 3 घंटा, लेकिन भैया बता रहे थे कि वो जो रास्ता है बहुत ही खराब है। तो ऐसा रास्ता इसलिए जाएंगे जहाँ से आप लोग जो है इंजॉय करते हुए जाएंगे और आराम से जाएंगे, बीच में व्यू भी मिल जाएगा। तो सारा सामान सब लेकर के चलते हैं उधर। अच्छा है कि क्रियान सो गया, सोते सोते अपना निकलेगा यहाँ से। और बाकी इधर से व्यू देखिए, जहाँ पर हमारा ये होम स्टे है ना, वहाँ से भी अच्छा व्यू मिलता है। और पीछे का जो मैं एरिया सब देख रहा हूँ एकदम हरा भरा, बहुत मस्त एकदम। जब बारिश होती है तो और भी एकदम, देखे थे बारिश होती है और भी एकदम लगता है हरियाली से भरा हुआ बिल्कुल। तो सारा सामान सब तो अंदर रख दिया है जी, और अभी मैं आपको जो है यह जो होम स्टे है इसके आसपास का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सीधे जब पीछे, तो पीछे देख सकते हैं कितनी हरियाली है। ये देखिए, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है जी, एकदम जैसा अपना गांव है ना, एकदम बिल्कुल हरा भरा, तो उसी टाइप का लग रहा है, कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा हरा भरा है यह। और यहाँ हवा चलती रहती है एनी टाइम, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी सूर्य देवता भी नज़र आ रहे हैं तो मौसम और भी थोड़ा खुशनुमा हो गया है। तो ऐसा करते हैं अब निकलते हैं। और अंकल और हमें थोड़ा सा चीनी का ज़रूरत था तो अंकल ने हमें थोड़ा दे दिया, तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा व्यवहार था इनका। जो भी ज़रूरत था, चाहे गर्म दूध का हो सब कुछ हो, ठीक है आंटी चलता है। ओके, कल तो ऐसे ही रो रहा था, मुझे लग रहा था एक दिन स्टे बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, कल नहीं निकलूंगा। तो हम लोग जी निकल चुके हैं, क्रियान सभी सोया हुआ है। अच्छा है कि क्रियान सोया हुआ है, और जितना रास्ता क्रियान सो करके कवर कर लिया उतना अच्छा है। और आगे देख रहे हैं कि शायद एक एक्सीडेंट हो गया है इसलिए रोका गया गाड़ी को, तो उसको जो है साइड कर दिया गया, क्लोज नहीं हुआ है, ढंग से कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग जब वीडियो डाले थे ना तो एक कमेंट आ रहा था कि आपके ड्राइवर को हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है। कहाँ से सीखा है उन्होंने? तो बताइए कहाँ से सीखे हैं आप हिंदी कहाँ से सीखा है? दुबई से सीखा है। ओके ओके, कमेंट आ रहा था कल जो वीडियो डाला था ना कि भाई साहब को हिंदी बहुत अच्छे से आती है, तो कहाँ से सीखा है? इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो हम लोग को लग गई है थी भूख, और थोड़ा सा पेट पूजा यहाँ कर लेते हैं, फिर आगे की जर्नी जो है कंटिन्यू रखेंगे। अब जो है थोड़ा सा आराम आराम से हम लोग घूम फिर रहे हैं, थोड़ा दूर चला फिर रोक लिया ताकि क्रियांश को जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। या और वहाँ क्रियांश हमारा वेट कर रहे हैं चलने का, तो हम लोग चलते हैं और खाते हैं। चलो क्रियांश चलो। तो हम लोग चलते हैं जी यहाँ पर और अपना पेट पूजा करते हैं। हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में आ गए खाने के लिए। चलो, तो जैसे ही आए हैं जी यहाँ एक ड्रिंक मिला हुआ है, पता नहीं क्या है इसमें, तो पूछते हैं किसी से। वैसा क्या होगा? ये गर्म पानी है, कलर डालता है। कलर है ये? ओके ओके, तो गर्म पानी है, कलर है, मुझे लगा कुछ है इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मल गर्म पानी ठीक है क्या? क्रियांश क्रियांश क्रियांश। तो हमारा खाना आ गया जी, हम लोग लगभग खत्म कर भी चुके हैं आधा। और जिया के लिए आया हुआ है मसाला डोसा, हमने मंगवाया है पनीर मसाला डोसा, और यहाँ का डोसा जी सच में अच्छा लग रहा है। और इन सब में हल्का सा मिर्च है, हम लोग कहे थे नॉर्मल मिर्च डाल ले, लेकिन शायद यहाँ के लिए नॉर्मल है, इससे भी ज़्यादा मिर्च खाते हैं लोग यहाँ पर, शायद नहीं खा पाएगी सारा। कोई नहीं, जितना खा सकती है खा लो, बाकी हम खा लेंगे, फिर क्रियांश खा लेगा। One hour later. तो अथीरापल्ली वाटरफॉल से जी लगभग 500 मीटर पहले गाड़ी को रोक दिया गया है। यहीं से जो है टिकट मिलेगा, और टिकट देखते हैं कितने का है। टू टिकट हाँ, टू हाँ, टू एडल्ट।
130 रुपए में दी, दो लोगों का टिकट है और गाड़ी आगे लगी हुई है, चलते हैं। अभी क्रियांश अच्छा है कि अच्छे से सोया हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद जो है क्रियांश को जगना पड़ेगा ही। जगिए क्रियांश, कोई बात नहीं, अच्छा है। क्रियांश तो हम लोग आ गए जी अथीरापल्ली वाटरफॉल, जो यह कैंपस है उसके कैंपस में आ गए और उस वाटरफॉल के करीब जा रहे हैं यहाँ से। और लग रहा है थोड़ा चढ़ाई है ऊपर, तो क्रियांश को लेकर के चढ़ना है। क्रियांश देख लिया है बंदर सब को, तो खूब खुश हो रहा है। वो देखिए उधर तो मंकी सबको देख लिया ना क्रियांश, वो भी एकदम खुश हो रहा है उसको देख के। चलते रहते वृंदावन में तो जी ऐसे फोन लेकर के चल भी नहीं सकते थे, ना ही चश्मा लगा करके, छीन लेता था वो लोग। तो यहाँ के बंदर सब वहाँ के मुकाबले थोड़ा लगता है अच्छे हैं, उतने नटखट नहीं है। तो हम लोग जो है बस अब वाटरफॉल के करीब पहुँचने ही वाले हैं, तो चलते हैं जी देखते हैं कैसा माहौल रहता है। ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा, हमें लग रहा था कि थोड़ा अच्छा खासा चलना पड़ेगा, उतना भी दूर नहीं चलना पड़ रहा है, मुश्किल से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। और बगल में जो है स्नैक्स के शॉप भी है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और बाकी जो सब चीज है वो सब आप ले सकते हैं। तो चलते हैं जी, मौसम भी थोड़ा बेहतरीन है, थोड़ा पहुँचते पहुँचते लेट हो गया है, थोड़ा पहले पहुँचते। हाँ वैसे ठीक है, और सुने की शायद 5 बजे के बाद एंट्री बंद है, तो हम लोग यहाँ 4 बजे पहुँच गए थे। हाँ हाँ, और देखते हैं जी। तो हम लोग पहुंच गए जी वाटरफॉल के पास, और देख सकते हैं जी यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा नज़ारा है। ओ भाई साहब, नीचे रहते ज़्यादा मज़ा आता ना, ऊपर से देख रहे हैं तो उतना मज़ा नहीं लग रहा है। नीचे होता होगा जाने का, क्या पता नहीं। तो ये रहा जी वाटरफॉल। हम लोग जी यहाँ जो झरना है इसी के बगल में आकर के बैठ गए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं। और जितना हमने सोचा था सही में, हम लोग 4 घंटा 4.5 घंटा ट्रेवल करके यहाँ पर आए हुए हैं, और सोचे थे कि कुछ अलग तरह का होगा वाटरफॉल, क्योंकि बहुत नाम सुना था इसका, लेकिन हमको लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे खराब है, लेकिन जो ऊपर है अगर नीचे रहता ना तो हो सकता है नीचे से कुछ अलग व्यू हम लोगों को दिखता, क्योंकि जो हम लोग देखे थे जब हम लोग मुन्नार जा रहे थे कोची, रास्ते में जो वाटरफॉल था चियापारा वाटरफॉल था शायद, तो वहाँ भी काफी अच्छा लग रहा था हमें, और वैसा ही कुछ हमें यहाँ भी लग रहा है। और यहाँ का बात क्या है कि यहाँ ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, तो कुछ वैसा पता नहीं चल, सीधे वहीं पर हैं हम लोग, तो शायद इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ कितना अच्छा है। बाकी जो नीचे फवारा अगर सामने से एक्सपीरियंस कर रहे होते नज़दीक से, तो उसका कुछ अलग बात होता है। देखते हैं नीचे जाने का कुछ है कि नहीं, पता नहीं है भी कि नहीं। और क्रियांश बस भागना चाह रहा है यहाँ पर, पकड़ के रखना इसको। ओए क्रियांश, ये घर नहीं है। ओए क्रियांश ये देखो। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, थोड़ा बैठ रहे हैं, और कल हम लोगों को जाना है जी एलएपी। जी हाँ, इसको कहा जाता है जी वेनिस ऑफ केरला। हम लोग वहाँ पर जाकर के एक्सपीरियंस करेंगे कैसा रहता है हाउस बोट का एक्सपीरियंस, क्योंकि जिसे भी सुना है सभी कह रहे थे केरला जा रही हो तो एलएपी जरूर जाना, और वहाँ का हाउस बोट का राइड जरूर लेना, वह बिल्कुल वर्थ है केरला विजिट करके। तो देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है, सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं टूरिस्ट सब लगातार आ रहे हैं, फोटो के लिए तो उसे अच्छा पॉइंट है, लेकिन नीचे से और अच्छा रहता है। मेरी जुबान से बार बार निकल रहा है कि नीचे रहते तो और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वाटरफॉल सामने से आ रहा होता है और वो देख रहे होते, सच में बड़ा भयावह जैसा माहौल लगता है। ओए ओए क्रियांश, तो क्रियांश सब बड़ा होगा ना तब देखेगा कि पापा कहाँ कहाँ लाए थे। अभी तो इसको समझ बस घूम रहा है, बस घूम रहा है, जब बड़ा होगा तो अपना यूट्यूब का वीडियो देखेगा ये कि पापा का ये था चैनल, यहाँ यहाँ गए थे घूमने। और एक अभी हम लोग घुमा रहे हैं, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे भगवान की दया रहा हम लोग को ये घुमाएगा। हाँ है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों बाप बेटे को पूरा एंजॉय कर रहा है। क्रियांश बुगी क्या कर रहे हो? क्रियांश बस आ रहा है उधर से, वाह पानी में वाटरफॉल देखने जाएगा। पहले यहाँ पे ना नहाने को मिलता था, लेकिन अभी जो है बंद किया गया है। अच्छा बंद किया गया है। जी घूमते घूमते थोड़ा थक गए यहाँ पर इधर उधर, और क्रियांश भी इतना भगा रहा है हम लोगों को, अच्छा खासा भगा रहा है।
पकड़ो इसको ढंग से। क्या मस्त मौसम है जी, मन तो करता है बस ऐसे ही शांति से यहाँ बैठे रहे, कुछ देर गुजारे और फिर जाए यहाँ पर। लेकिन आए ही हम लोग थोड़ा लेट से हैं, और लेट से आए हैं तो इस वजह से जो है थोड़ा जल्दी हम लोगों को निकलना पड़ेगा, ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बिता पाए। लेकिन कभी सोचते हैं ऐसे ही आए और आराम से बैठे यहाँ पर, लेकिन होता क्या है जिस भी शहर जाते हैं वहाँ इतने सारे स्पॉट होते हैं, सोचते हैं कि यहाँ आए हैं लिमिटेड टाइम है हाथ में, तो जितना ज्यादा कवर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर ले, कि अफसोस नहीं रह जाए कि घर जाए और ये मन में अफसोस रहे कि वहाँ गए थे। अरे वो हंस रहा है इधर, कि वहाँ गए थे और ये जगह वहाँ घूम सकते थे और नहीं घूम पाए। बात वही है जी, बस अपना काम धंधा रहता है, ज्यादा समय मिलता है नहीं, ये तो घूमने का इतना सारा चीज है कि तसल्ली से घूमे। और हमें तो मन करता है कई बार कि महीने महीने भर के लिए कहीं पर रुके हम अच्छे से और तब घूमे हम वहाँ पर, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बस खाली मन में रहता है कि ये स्पॉट कवर करना है, इस जगह को कवर करना है, वो जगह कवर करना है, बस हम ये चाहते हैं कि मुझे कवर नहीं करना है, हमको बस वहाँ कुछ समय रहना है और वहाँ का जो कल्चर है वहाँ के कल्चर को हम देखे, थोड़ा एक्सप्लोर करें, और वो जो मजा आता है ना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम गए थे चंडीगढ़, हम लोगों का बिहार से अपना एक थोड़ा अलग कल्चर है, तो नॉर्थ इंडिया ही बहुत कुछ मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ का जो अपना एक लैंग्वेज था, अपना जो उन लोगों का खाना पीना था, जैसे एकदम ध्यान है हमको, जितना भी पराठा खाते थे मस्त बनता था पराठा वहाँ पर, मक्खन एकदम जबरदस्त लगा के और खूब खाते थे वहाँ पर, लस्सी दही ये सब भी खूब खाते थे, बर्गर वर्गर सब। ये था एक एक्सपीरियंस ये कि हम पंजाब को ऐसा लगा कि बहुत नजदीक से देख करके आए। और अभी क्या है, अभी है कि जहाँ भी घूम रहे हैं, जो टूरिस्ट घूम रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है, बस यही है कि आप ये होटल ले लो, आप ये जगह चले जाओ, वो जगह चले जाओ, ये नहीं हो पाता है कि एक अच्छे से हम लोग उस जगह को जान पाए। और सही में मन करता है कि जैसे साउथ इंडिया मूवी में देखा करते थे, जैसे पंजाब के बारे में मेरे मन में इच्छा जगी थी कि पंजाब घूमेंगे, बॉलीवुड मूवी देख करके जगी थी कि पंजाब में इतने बड़े बड़े खेत होते हैं, ऐसा उनका रहन सहन होता है, ऐसा रीति रिवाज होता है, तो उसी तरह से साउथ के बारे में, साउथ का जो मूवी देखते थे तो मन करता था कि एक बार साउथ की भी विलेज जाए, लेकिन विलेज जाने का तो मौका नहीं मिला है, देखिए कब मौका मिलता है और चलेंगे। और बाकी देख रहे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, कमेंट ये आता है कि भैया बगल में ही तिरुवनंतपुरम है, आप वहाँ आ जाइए, भैया बगल में ही कोयम्बटूर है, यहाँ आ जाइए, बहुत लोग मिलना चाहते हैं, बहुत लोग कोचीन में भी है। तो जी हम चाहते हैं कि आप लोगों से मुलाकात कर लें, लेकिन जैसा कहें कि हाथ में समय बहुत कम रहता है जी, इस समय की वजह से जो है इस समय में चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें। भाग रहा है तो इसको घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बातचीत करते हैं यहाँ पर सभी से। तो जी इसी समय की वजह से नहीं कभी मुलाकात हो पाता है, और वीडियो जो है कई बार कमेंट आता है कि आप थोड़ा लेट डालते हो, जी हाँ वीडियो लेट डालते हैं, इसके पीछे भी कारण है जी, अपना नहीं कहते हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के बीच में जाता है। मैं जानता हूँ इस दुनिया में 90-95% अच्छे लोग होंगे, लेकिन कुछ 5% लोग भी है जो किस मानसिकता के हैं हमें पता नहीं है, तो उनके पास भी चला जाएगा कि इस शहर में है, इस समय में है, क्या पता कुछ दिक्कत आ जाए आगे। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हम है कि वीडियो रियल टाइम में अपडेट नहीं करते हैं, थोड़ा लेट लेट से अपडेट करते हैं कि जहाँ पर थे वहाँ से हम निकल गए, 2-3 दिन हो गया तो हम वहाँ का वीडियो डालते हैं। तो हम चल रहे हैं जी अब नीचे की ओर, जैसा कि हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि नीचे से फॉल को देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहता, तो थैंक्स गॉड यहाँ से वो व्यू आप ले सकते हैं। तो चल रहे हैं, थोड़ा रास्ता है, इस तरह का संभल संभल के चलना पड़ेगा। होए जाने का तो चले जा रहे हैं कि एकदम नीचे है और वहाँ से व्यू जबरदस्त होगा, चढ़ते समय उतनी ही हालत खराब होगी, जब ऊपर चढ़ना होगा हालत खराब होने वाला है। जिया चल रही है आगे आगे और मेरे हाथ में है क्रियांश मेरा बेटा, इसके साथ साथ चल रहे हैं जी। यहाँ तो ऐसे ही नॉर्मल आदमी का हालत खराब हो रहा है नीचे उतरते उतरते, हमारे हाथ में तो बच्चा है 10-10.5 किलो का, हाय हाय हाय। और साथ में देख रहे होंगे पानी बोतल, मैंने एक से पूछा कि नीचे पानी बोतल मिलेगा कोई शॉप है, तो बताया गया कि नीचे शॉप है लेकिन कोई पानी बोतल वहाँ मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपना ये बोतल दे दिया, मैंने कहा नहीं 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 आप ये रखो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नहीं नहीं हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं सभी के पास पानी बोतल है, तो आप ले लो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ बच्चा है। सच में जी ऐसे भी इंसान है इस दुनिया में, ऐसे भी लोग सब हैं इस दुनिया में, उन्होंने बच्चे को देखा तो हाथ में पानी बोतल दे दिया, बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने नहीं लिया वापस, और बाद में मैंने पैसे देने की कोशिश की तो वो पैसे भी नहीं ले रहे, इसका क्या कहे जी, क्या ही कहा जाए, जबरदस्त दुनिया है ये। और हम जो है नीचे पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, ऊपर से कैसा लग रहा था और नीचे से कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा व्यू ज्यादा अच्छा है, मुझे तो नीचे से जो मैं देख रहा हूँ ये व्यू लग रहा है सबसे जबरदस्त। अभी और नजदीक से जा करके देखेंगे हम और आपको भी दिखाएंगे। और हम लोग पहुँच चुके हैं नजदीक के, अब क्रियांश को जिया ने संभाला है, बहुत मेहरबानी कर दी आपने अभी लेकर के, अच्छा और यहाँ से आप व्यू देखिए।
20 minutes later. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर. ऊपर चढ़ाई करने में इतनी हालत खराब हो गई है, दम फूल रहा है पूरा, लेकिन जाना तो होगा. हम लोग बाहर आ गए जी वाटरफॉल के एरिया से. और एक चीज हमने देखा आते समय, एक बहुत ही मतलब गजब का इनिशिएटिव लगा और एनवायरनमेंट को लेकर के अच्छा इनिशिएटिव है. तो बोतल देख रहे हैं, बोतल के ऊपर एक स्टिकर था वो घुमाना. हाँ वो जो है ये दिखाना उंगली से पॉइंट करके. हाँ तो इस स्टिकर को हटाया और फिर हमें 10 रुपया दे दिया. मतलब इनका ये इनिशिएटिव है कि आप जो है 10 रुपया से ज्यादा चार्ज करता होगा बोतल पे, और बोतल को आप वापस ले आए यहाँ पर कि आपने प्लास्टिक को जो है फेंका नहीं. तो इसके लिए आपको एक इनिशिएटिव ले रहा है और आपको रिफंड दिया 10 रुपए का. तो अच्छा इनिशिएटिव है जी. स्टिकर ये हटा दिया. हाँ हाँ हाँ.